नवतेज टीवी आपके लिए आ रहा है एक नया सीरीज जिसका नाम है सांसद महोदय। अनुमन, आप लोग को बड़ी दिक्कत होती होगी सांसद तक कैसे पहुंचे और क्या तरीका है पहुंचने का सांसद का, लेकिन नवतेज टीवी एक ऐसा जरिया बन के आएगा आपके सामने जो आपके सांसद तक आप तक पहुंचाएगा और आपको आपके सांसद तक पहुंचाएगा। एक ऐसे सांसद जिन्होंने अपनी पहचान फिल्म और मॉडलिंग से बनाई और धीरे धीरे फिल्मी पर्दे का ये सफर उन्हें राजनीति के पायदान तक लाया। ये सांसद है नवनीत रवि राणा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अमरावती सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर राजनीति के पर्दे पर सफलता का परचम लहराया। तेलुगु फिल्म में काम करने वाली नवनीत रवि राणा 3 जनवरी 1986 में जन्मी और उनकी आगे की परवरिश मुंबई में हुई। 12वीं पास करने के बाद नवनीत ने एक मॉडल के रूप में अपना कैरियर बनाया और उस दौरान उन्होंने 6 म्यूजिक एल्बम में काम कर अपने एक्टिंग करियर को नया आयाम दिया। कन्नड़ फिल्म दर्शन से नवनीत कौर ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने फिल्म चेतना, जगपत्थी, गुड बॉय, भूमा में काम किया। जेमिनी टीवी के रियलिटी शो हुम्मा हुम्मा में भी उन्होंने बतौर प्रतियोगी हिस्सा लिया। नवनीत कौर की शादी महाराष्ट्र के विधायक रवि राणा से हुई। ये एक ऐसे शादी समारोह था जिसमें करीब 5 लाख मेहमानों ने शिरकत की थी। नवनीत कौर की शादी देश भर में चर्चा का विषय बन गई थी। ये देश की पहली शादी थी जिसमें एक अभिनेत्री और विधायक ने किसी सामूहिक विवाह में शादी की हो। ये अनोखी शादी गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज की गई है। एक एक्ट्रेस से सांसद बनने तक का ये सफर नवनीत कौर के लिए भले ही थोड़ा मुश्किल रहा हो, लेकिन उन्होंने बतौर सांसद जनता का भरपूर दिल जीता। मैंने सबसे पहले बधाई आपको, महाराष्ट्र में इकलौता जो कांग्रेस की एक सीट है और आपकी अकेली निर्दलीय, किस तरह देखती हैं आप? मुझे लगता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा की थी तो शायद वो नाम एक क्योंकि जब भी मेरे इलेक्शंस के बीच में होता था जीतना ऐसा है कि छाप छोड़ जाएं, तो शायद जीते ऐसी हैं कि छाप रह गई है और लोगों के बीच में रहेगी कि वो महाराष्ट्र से एक निर्दलीय चुन के आना। महाराष्ट्र एक देश का दिल्ली के बाद सबसे बड़ा राज्य है, मुझे लगता है जहाँ पर टूरिस्ट हो या इनकम सोर्स हो देश को, सरकार को सबसे ज़्यादा अगर कहीं से मिलता है तो वो मुंबई महाराष्ट्र से मिलता है, और वो महाराष्ट्र से निर्दलीय चुन के आना मुझे लगता है वो बहुत डिफरेंट था। और शायद ये डिफरेंस मेरे अमरावती की जनता ने, विदर्भ में अमरावती आता है जहाँ से राष्ट्रपति ताई जो राष्ट्रपति जी थे पहले के एक, वो वहाँ से चुन के आए थे और वही सीट से मैं आज इलेक्शन लड़ी हूँ और वही सीट से मैं चुन के आई हूँ। मैडम, महाराष्ट्र में विदर्भ एक क्षेत्र, विदर्भ में अमरावती, खासकर अमरावती नागपुर ये जो अकोला बेल्ट है वहाँ पानी का बड़ा दिक्कत है और अभी भी इंतज़ार है किसानों को बारिश कब होगी और किल्लत हो रही है, और पिछले कई सरकार चाहे कांग्रेस सरकार रही हो चाहे बीजेपी सरकार हो लेकिन इससे निजात नहीं पा पाई है, तो उसके लिए आप अपने क्षेत्र के लोगों को किस तरह से निजात दिलाएंगे इस पानी से? मुझे लगता है सिंचन जो बहुत सालों से हमारे महाराष्ट्र में सिंचन का चलते आ रहा है, मुझे लगता है ये सरकार भी और देवेंद्र जी फडणवीस ये बहुत अच्छे से इस चीज़ पे काम कर रहे थे, पर 5 साल इन्होंने जितना भी पॉसिबल हुआ पानी से छुटकारा, पानी की समस्या से छुटकारा दिलाने का ये सरकार ने महाराष्ट्र में देवेंद्र जी फडणवीस ने बहुत अच्छे से काम किया है, पर अगर ऊपर वाला ही कृपा ना करे तो नीचे वाला क्या कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, टैंकर पहुँचाना हो या कुएं बनवाने हो, कुएं बनवाने हैं तो कितने डीप बनवाने हैं उसकी अलग परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि धरती में ही पानी नहीं है तो कुएं में पानी कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ है, बस अभी इतना ही है कि हमने कितनी भी पानी की हम एक तो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, पूरा मुंबई पानी के आजू बाजू, पानी पूरा घेर के और बीच में मुंबई बसा है। अगर बहुत समस्या हुई तो आने वाले समय में मुझे लगता है समुंदर के पानी को मीठा पानी करने की जो जरिया करने की सोच रहे हैं वो करना पड़ेगा ही, क्योंकि अगर पानी वाला ऊपर वाला हमारा साथ नहीं देगा तो ये ऑप्शंस तो लाने ही पड़ेंगे। लेकिन उसके विपरीत में आने वाले 5 सालों में ऐसा क्या करेंगी जो आपके क्षेत्र के लोग, क्योंकि भरोसा तो बन चुका है इसलिए आप जीत के आई हैं, तो उस भरोसे को बरकरार करने के लिए क्या क्या उपाय आप करेंगे और बीचों जो आपके लोग हैं और आपके लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं उनके बीच में जाने के बाद
आप क्या क्या काम कर सकती हैं और क्या क्या काम करने वाली हैं? मुझे लगता है मेरी शपथ ग्रहण करने से पहले ही मैंने मीटिंगें पूरी रेलवे डिपार्टमेंट्स की मीटिंग, फॉरेस्ट ट्राइबल डिपार्टमेंट की मीटिंग और पानी सिंचाई जो हो रही है उसके डिपार्टमेंट में मीटिंग लेके ओथ के पहले ही मैंने ये सब मीटिंग लेके कंप्लीट कर दिया। और उसके बाद जैसे मैंने संसद में ओथ लिया और उसके बाद शपथ ग्रहण करने के बाद इमीडिएट हर रोज़ मेरा ये एक टारगेट रहता है कि जो मेरे ज़िले में, महाराष्ट्र में या देश में कोई चीज़ की कमतरता मेरे समझ में आती है और मेरे समझ के अनुसार मैं हर रोज़ ये प्रयत्न कर रही हूँ कि मैंने ये संसद में मुद्दा रखना चाहिए और वहाँ पर मुद्दा रखकर वो इम्प्लीमेंट होगा, इतना भी मुझे कॉन्फिडेंट है। जो विश्वास मेरे लोगों ने मुझ पर दिखाया है वो 100% उन पर मैं काम कर रही हूँ और मैं 5 साल में वो करके फिर उनका विश्वास जीतूँगी, इतना विश्वास है मुझे। एक आखिरी सवाल, आपके लोकसभा का क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र में जो लोग आपसे मिलने आएंगे दिल्ली में या अमरावती में, तो वो कैसे आप तक पहुंच सकते हैं, उसका लोगों को एक बार बता दीजिए। अमरावती क्षेत्र के जो लोग हैं हमारे ज़िले के, उन्हें बहुत आसान है, वो कहीं से भी चल के किसी को भी पूछेंगे कि नवनीत राणा के घर जाना है या विधायक रवि राणा के घर जाना है तो वो इजीली बस वाला भी बता देगा कहाँ से कैसे जाना है। क्योंकि हम इसलिए निर्दलीय चुन के आते हैं क्यों, हम लोगों के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं और जो लोगों के साथ जुड़कर नेता बनता है वो लोगों को कभी अपने से दूर नहीं होने देता और लोगों को हमारा घर बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग दूसरे लोगों को जो बाहर से आएंगे उनको बताएंगे कि रवि राणा और नवनीत राणा कहाँ रहते। धन्यवाद बात करने के लिए। अब ये अमरावती भी नवनीत राणा से के नाम से भी पहचाना जाएगा क्योंकि एक निर्दलीय सांसद जिन्होंने एक पहचान दी है अमरावती को। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पानी की जो किल्लत है, जो समस्या है वहाँ पे, जो दो भी समस्याएं आ रही है उसको दूर करेगी नवनीत राणा जी। और अगर आप फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक में तो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा आपको कि उनसे कैसे मिल सकती है मेल आईडी, उनके पीएस का नंबर। और यूट्यूब में देख रहे होंगे आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन होगा उनका डिटेल। अपनी सांसद नवनीत राणा को अपनी समस्या बताने के लिए संपर्क करें, पता 50 गंगा सावित्री शंकर नगर राजा पीठ अमरावती, पिन कोड 444606। कॉल करें 9320615413। आप अपनी समस्या ईमेल भी कर सकते हैं navetraana503@gmail.com। एक और ईमेल आईडी है navenedifmail@com। सफर जनता के हमदर्द से हिमायती होने का, सफर आम प्रतिनिधि से प्रतिनिधित्व तक का, सफर सेवा से सरोकार होने का, सफर लोकतंत्र के पथ पर बुलंद कामयाबी का। मिलिए सांसद महोदय से पंकज वानखेड़े के साथ। जल्द नौतेज टीवी पर।